हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। यार देखो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को समझने से पहले आपको जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस थी तीन में, बिगो, ओमेगा एंड थीटा, आपको उन तीनों के बारे में बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये उन्हीं तीन नोटेशन से अप्लाई हो रही है। तो अगर आपको भी तीन नोटेशन बहुत अच्छी तरह पता है तो आप आसानी से इन प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ सकते हैं, और अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो यार यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को ध्यान से समझे, देन इसके बाद अगर दोबारा एक वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा कि बेसिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी काम कैसे करती है। ठीक है, मैंने आप उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप उसके बाद चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, देन आप दोबारा इस वीडियो पर आ गए इसको देख सकते हैं। सर, पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन f(n) आपको गिवन है तो fn इज बिग ऑफ fn। बिल्कुल सही बात भी है। अगर आपने वे तीनों नोटेशन को अच्छी तरह समझी हुई है तो आपको पता होगा कि जब मैंने आपको बिग ओ नोटेशन बताई थी तो क्या बताया था कि अगर आपका कोई फंक्शन fn इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ gn है तो मैं क्या लिखता था कि fn इज बिग ऑफ gn, मतलब एफ एन फंक्शन छोटा या इक्वल होगा। तो अगर इक्वल होगा तो जी एन भी आपका एफ एन के बराबर ही हो गया। तो मैंने वही तो लिखा कि अगर आपका सिंपल एक फंक्शन एफ एन दिया हुआ है तो एफ एन इज बिग ओ एफ एन। ठीक है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपके बिग ओ के लिए भी, ओमेगा के लिए भी एंड थीटा के लिए भी, तीनों के लिए अप्लाई होती है। आप इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यार आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नाम से ही पता लग रहा है कि अगर आपको एफ एन दे दिया इन्होंने, बिग ऑफ जी एन, जी एन दिया इन्होंने बिग ऑफ एच एन, तो बाई द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, एफ एन इज बिग ऑफ एच एन। अब बिल्कुल सही बात भी है भाई। अगर कोई फंक्शन जी एन टाइटेस्ट अपर बाउंड है एफ एन के लिए और एच एन फंक्शन किसी जी एन फंक्शन के लिए टाइटेस्ट अपर बाउंड है, तो एच एन फंक्शन आपका एफ एन के लिए भी तो होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा तीनों के लिए अप्लाई होती है। इसको भी आप आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी यार मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो जब वो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इस नोटेशन के ऊपर आपके क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यार आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्या है कि एफ एन अगर थीटा ऑफ जी एन है तो जी एन भी थीटा ऑफ एफ एन होगा। और इसकी एक बहुत अच्छी बात क्या है कि ये अप्लाई होती है सिर्फ ओनली फॉर थीटा नोटेशन। आपको ये याद रखना है कि आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ थीटा नोटेशन पर अप्लाई होती है। एक्चुअली में है क्या, ये प्रॉपर्टीज आप आसानी से खुद ही विजुलाइज कर सकते हो अगर आपने बहुत अच्छी तरह एसिम्प्टोटिक नोटेशन का कंसेप्ट समझा हुआ है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी क्या है, जिससे कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी भी याद है तो आप बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यार आपकी ट्रांसपोज सिमेट्रिक। ट्रांसपोज सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एन बिगो ऑफ जी एन तो जी एन होगा ओमेगा ऑफ एफ एन। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ बिग ओ एंड ओमेगा पर अप्लाई होती है। ये वाला आपको याद रखनी है, बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है वो पूछ रहता है कि आपकी थीटा नोटेशंस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ट्रांसफर सिमेट्रिक है ये आपकी थीटा पर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यार एक बहुत जनरल सी प्रॉपर्टी जिसको आप खुद भी देख सकते हो कि अगर एफ एन बिग ऑफ जी एन दिया हुआ है और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इफ वी मल्टीप्लाई एफ एन बाई एनी कॉन्स्टेंट इंटीजर, लेट सपोज के एंड
मैंने कहा के इंटू एफ एन, तो वो भी आपका बिग ओ ऑफ जी एन ही होगा। देखो भाई, अगर एफ एन लेट सपोज एन दिया हुआ है एंड जी एन आपको एन स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको पता है एफ एन क्या है यहाँ पर, बिग ओ ऑफ जी एन। और लेट सपोज मैं इस एफ एन की मल्टीप्लाई 5 से कर देता हूँ, 5 इंटू एफ एन क्या हो गया, 5 इंटू एन मतलब 5 एन, 5 एन भी तो अभी एन स्क्वायर से कम ही है, ठीक है। तो मतलब जब मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी इस एफ एन से, तो जब भी आपका ये बिग ओ ऑफ जी एन ही रहा, और ये प्रॉपर्टी बोल रही है। और ये प्रॉपर्टी भी यार आपके बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा तीनों पर अप्लाई होती है, आप इसको आसानी से विजुलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट है यार कि अगर आपको कोई एफ एन दिया हुआ है बिग ओ ऑफ जी एन एंड एफ एन दिया हुआ है ओमेगा ऑफ जी एन, तो एफ एन आपका थीटा ऑफ जी एन होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर कोई जी एन फंक्शन बिग ओ के टर्म में रिप्रेजेंट है एफ एन के लिए, एंड वही फंक्शन आपका ओमेगा के टर्म में भी रिप्रेजेंट है एफ एन के लिए, तो आपको मैंने बताया था कि थीटा नोटेशंस के लिए क्या होता है, सी वन जी वन इज लेस देन इक्वल टू एफ ओ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टू जी एन। जब आपका ये फंक्शन भी सेम है, ये दोनों फंक्शन सेम है, तो बेसिकली वो फंक्शन को हम थीटा के टर्म में भी आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है। तो यार अब देखते हैं कि बेसिकली इनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछता कैसे है। लेट सपोज आपको इन्होंने एफ एन दे दिया बिग ओ ऑफ जी एन एंड एच एन दे दिया बिग ओ ऑफ आई एन, पर आपसे बोला एफ एन प्लस एच एन की वैल्यू बताओ क्या होगी। आप मुझे वो बताओ, अगर मैं एफ एन को आपका एन मान लू एंड एच एन को आपका एन स्क्वायर मान लू, आपको पता है हर फंक्शन को हम उसी फंक्शन के लिए बिग ओ के टर्म में लिख सकते हैं भाई, एफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एफ एन बाय द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, एंड एच एन भी क्या हो गया, बिग ओ ऑफ एच एन। तो अगर मुझे यहाँ पर एफ एन प्लस एच एन करना तो क्या होगा, एन प्लस एन स्क्वायर। अब एन और एन स्क्वायर में लीडिंग टर्म कौन सी है, एन स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ गया, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर था किसका, एन स्क्वायर था आपका एच एन का, तो आप बोल सकते हो कि बिग ओ ऑफ एच एन। बट क्या ऐसा कुछ लिमिटेशन है कि हमेशा यहाँ पे एन और यहाँ पे एन स्क्वायर होगा, भाई ये तो मैंने अपने आप माना था ना, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसको एन स्क्वायर और इसको एन मानू, तो अब क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एन, अब भी एन स्क्वायर आया, और ये एन स्क्वायर है किसका, एफ एन का, तो अब ये एफ एन हो गया। तो ये क्या खेल हुआ, अब मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब जब भी मैं एफ एन और एच एन का एडिशन कर रहा हूं, तो क्या होगा, जो भी इन दोनों का मैक्सिमम होगा, मतलब बिग ओ ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ एन कोमा एच एन। अब आपको पता है एफ एन और एच एन के लिए उन्होंने दी हुई है जी एन की टर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख दो, मैक्सिमम ऑफ एफ एन को लिख दो आप जी एन कोमा, यहाँ पे लिख दो आप अपना आई एन, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल इसका आंसर, मतलब जब मैंने इन दोनों का एडिशन करा। अगर लेट सपोज एडिशन की जगह मुझे मल्टीप्लाई करना होता तो क्या होता भाई, अगर मुझे एडिशन नहीं करना, मुझे इनका मल्टीप्लाई करना, तो लेट सपोज एफ एन है आपका एन, एच एन है आपका एन स्क्वायर, तो जब मैं आपका एफ एन इंटू एच एन कर रहा हूं, मतलब एन इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू एन क्यूब, यहाँ पे तो मतलब सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, बिग ओ ऑफ एफ एन इंटू एच एन, तो आप इसको लिखो, एफ एन की जगह आप जी एन लिख लो, जी एन इंटू आई एन जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल मल्टीप्लाई के लिए आंसर। कुछ और तरह के क्वेश्चन देखते हैं जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए बेसिकली कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह आते हैं। अब जो क्वेश्चन बताऊंगा ये वो क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ ये बताऊंगा कि आपकी इन प्रॉपर्टीज के ऊपर वो क्वेश्चन किस तरह पूछ लेता है। देखो जैसे मैंने आपको चार पांच फंक्शन दिए हैं, कुछ एक है टेन, एक है रूट एन, एक है यार एन, एक है लॉग एन एंड एक है आपका 100/n। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। अब देखो क्वेश्चन तो क्या था, आपको ये पांच कुछ वही दिए थे फंक्शन, और उन्होंने बोला था कि इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो,
आपको देख के लग रहा होगा कि यार 10 कॉन्स्टेंट है और 10 सबसे छोटा होगा, बट कभी सोचा कि क्या 100 अपॉन एन 10 से छोटा हो सकता है? उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू ले लो एन की, जिससे कि आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सको। लेट सपोज मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 2048 ले लेता हूँ, तो आप एक बार 100 अपॉन 2048 निकालो, आपको स्केल निकल जाएगी। लॉग बेस 2 2048 निकालो तो स्केल निकल जाएगी, इसका 2048 है ही, और एक बार आप √2048 निकालो तो आपको इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको पता है 2048 है क्या, बेसिकली 2 की पावर 11, तो लॉग बेस 2, तो ये तो सिंपल 11 हो गया। अब 100 अपॉन 2048, 100 अपॉन 2048 की वैल्यू आएगी अराउंड 0.0488 समथिंग, एंड √2048 की वैल्यू आएगी 45.25 समथिंग। ठीक है, अब आप देखो है क्या, पहले पहले वन का 10, रूट एन की वैल्यू क्या हो गई 45.25 समथिंग, एन तो आपका 2048 है ही, लॉग एन की वैल्यू हो गई 11, एंड ये हो गया आपका यार 0.048। इसके साथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, सबसे छोटा ये वाला मतलब 100 बाई एन, देन उसके बाद आ गया आपका यार ये वाला लॉग एन। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका ये वाला मतलब 10 सिंपल, देन आपका आया यार इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देन 45 पॉइंट, ये मतलब √n, एंड लास्ट में आएगा सिंपल n। ठीक है, तो यार बेसिकली ये हो गया इसका आंसर। अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हाँ इंक्रीज ऑर्डर में करेंगे तो यार 10 पहले आएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू लॉग एन तो 11 आई थी। हाँ तो 10 पहले आएगा एंड लॉग एन उसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपका ये हो गया। अब इसको मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर वो क्वेश्चन वो किससे पूछ सकता है। देखो ये क्या हो गया आपका 100 अपॉन n 10 log n √n एंड n आपने ये दे दिया। अब आप ये देखो क्योंकि ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये वाला फंक्शन इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे, ये इससे। अगर मैं आपको दो फंक्शन देता हूं, एफ एन दिया मैंने आपको सिंपल log n एंड जी एन दिया n, ठीक है, और आपको ने दो ऑप्शन दिए कि एफ एन इज बिग ऑफ जी एन या जी एन इज बिग ऑफ एफ एन, तो कौन सा सही होगा? आप एक बार मुझे खुद बताओ, एफ एन और जी एन में कौन सा फंक्शन छोटा है? लॉग एन। तो इसका मतलब एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी एन, जब एफ एन लेस देन इक्वल टू जी एन तो एफ एन क्या हो गया? बिग ऑफ जी एन। तो भाई ये वाला इसका ऑप्शन सही हो गया। तो इसके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार क्या करता है वो आपको कुछ फंक्शन दे देगा, एफ एन जी एन एच एन आई एन कुछ फंक्शन दे देगा, और फिर उनके ऊपर ऐसे ऑप्शन देगा कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप अगर ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सा फंक्शन मोर पावरफुल है, या कौन से फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है, या कौन से फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ कम है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब। इन सब की जरूरत यार आपको आगे पूरी की पूरी एल्गोरिथम में पड़ेगी। अभी नेक्स्ट लेक्चर आपके जो मेजर सिलेबस है एल्गोरिथम का, जहां से हम स्टार्टिंग करेंगे अभी सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिथम से, वहां से एक एल्गोरिथम को ध्यान से समझेंगे, और समझेंगे कि कैसे हम एक एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, और फिर कैसे हम उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं, और कैसे हम अलग अलग अप्रोच से उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।